तो गृहस्थ भी बाधा नहीं देगा, और अगर मन वश में नहीं है तो हम साधु बन के भी भजन नहीं कर पाएंगे। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः स आस्ते सहषट् सपत्नः। हर मनुष्य के साथ छह शत्रु लगे हुए हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य। आप चाहे साधु बन जाएं, चाहे गृहस्थ में चले जाएं, चाहे घर में रहें, चाहे जंगल में रहें, ये छह शत्रु हर व्यक्ति के पीछे हर समय लगे हुए हैं। अगर मन को जीत लिया तो इन छह शत्रुओं को आपने पटक दिया, हरा दिया, और मन वश में नहीं है तो ये छह शत्रु हमें पटक देंगे। फिर चाहे जंगल में रहो चाहे घर में रहो, बस इन शत्रुओं के साथ उठा पटक चलती रहेगी, ये तुम्हें पटकते रहेंगे, और अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो तुम इनको पटक सकते हो। तो बोले गृहस्थ धर्म बाधा नहीं देगा, कभी गृहस्थ धर्म बाधक नहीं बन सकता है। यदि गृहस्थ में रहकर भी हम भक्ति योग को अपना प्रधान कर्तव्य मानते रहें, और यदि भक्ति को लक्ष्य नहीं बनाया तो फिर घर छोड़ने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई भजन साधन नहीं होने वाला। वहाँ साधु बनने के बाद भी हम लोग सोचेंगे कैसे किन लोगों को फंसा लें, कैसे अपना प्रभाव जमा लें, कैसे दुनिया को आकर्षित कर लें। बोले ये कोई भजन साधन का मार्ग नहीं है, यही सब दुर्वृत्तियाँ बनी रहेंगी जो कि भक्ति मार्ग की बाधक वृत्तियाँ हैं। तो प्रियव्रत जी महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह किया है, इनसे 10 पुत्रों का जन्म हुआ है, आग्निध्र आदि, और आग्निध्र से राजा नाभि का जन्म हुआ है। राजा नाभि ने बहुत समय तक तप किया है, यज्ञ आदि इन्होंने किया है, भगवान ने इनको वरदान मांगने के लिए कहा, तो वरदान के रूप में इन्होंने कहा कि अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें आप अपने जैसा पुत्र दे दें। भगवान ने विचार किया, भाई हमारे जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, हम स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनेंगे। तब राजा नाभि के यहाँ उनकी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से स्वयं भगवान आए हैं, मुनि धर्मों को प्रकट करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया है। श्रेष्ठ गुणों के कारण उनका नाम ऋषभ हुआ। बोलिए श्री ऋषभ देव जी महाराज की जय। तो ऋषभ देव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। इधर साक्षात चूंकि ये एक तो भगवान के अवतार हैं, उनके अंशावतार हैं, और ऋषभ देव जी महाराज ने इस तरह से इनका जीवन, संपूर्ण जीवन शिक्षाप्रद रहा है। अकेले ऋषभ देव जी ने कितने ही धर्मों की शिक्षा दी, राजा बन के ये सिखाया कि एक राजा का क्या धर्म होता है, पिता बन के ये सिखाया कि एक पिता का क्या धर्म होता है, गुरु बन के ये सिखाया कि एक गुरु का क्या धर्म होता है, योग्य शिक्षक बन के एक यह धर्म सिखाया कि एक शिक्षक का क्या धर्म होता है, फिर परम हंसों जैसी स्थिति को अपनाकर यह सिखाया कि परम हंसों के लिए क्या धर्म है। अकेले ऋषभ देव जी महाराज ने, इनके 100 पुत्र थे और सबके सब पुत्रों को इन्होंने भगवत प्राप्ति करा दी, 100 के 100 पुत्रों को, जबकि हाथ में 5 उंगलियां भी समान नहीं होती हैं, एक छोटी एक बड़ी ऊंची नीची सब होती हैं, लेकिन इनकी शिक्षा ऐसी दिव्य थी कि जब इन्होंने शिक्षा दी है तो सब प्रजा को, सब पुत्रों को ऐसा भागवत धर्म का उपदेश किया है कि सबको भगवत प्राप्ति इन्होंने करा दी। इसलिए ऋषभ देव जी महाराज का बड़ा सम्मान है भक्ति जगत में, तात ऋषभ सो होय मात मंदाल से जानो। महात्माओं ने लिखा है अगर पिता हो कोई तो ऋषभ देव जी जैसा हो। अरे केवल बालक को जन्म दे देना माता पिता का कर्तव्य नहीं होता है, अगर आपने भक्ति के संस्कारों से उन्हें नहीं सजाया तो फिर माँ बाप होकर भी आप उनके हत्यारे सिद्ध होते हो। संसार में फंसाना तो आंख फोड़कर गड्ढे में डालने के समान है। अरे भक्ति की शिक्षा नहीं दी तो जीवन में
ना माता ने मातृधर्म का पालन किया, ना पिता ने अपने पितृत्व को धन्य किया। अरे बालक पैदा करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पशु पक्षी योनियों में भी ये सब काम होते हैं, वहाँ भी बालक रोज पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य होने के बाद तो मातृत्व और पितृत्व को धन्य करना चाहिए, और वो उसकी सार्थकता केवल भक्ति सिखाने में है। मलूकदास जी महाराज ने कहा है, मलूक सो माता सुंदरी जहाँ भक्त अवतार, और नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों जन्मे खर पतवार। जैसे कोई पेड़ लगाओ तो पेड़ के आसपास छोटे मोटे फालतू के छोटे छोटे पौधे अपने आप पैदा हो जाते हैं, घास फूस पैदा, जिनके कोई जिनका मतलब नहीं होता, तो उनको लोग काट देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो उनको खर पतवार बोलते हैं। पेड़ तो एक ही सार्थक है जो मूल लगाया है, बाकी अगल बगल पैदा हो गए उनका कोई होने ना होने का मतलब नहीं है। तो अगर भक्ति के संस्कारों से सजाया तब तो वह बालक है, और नहीं तो समझो कोई खर पतवार पैदा कर दी है, उसके होने न होने का कोई मतलब नहीं है। और गोसाई जी महाराज ने भी मानस जी में कहा है, पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। माँ वही है जिसका बालक भक्त है। अरे वो माँ धन्य थी जिन्होंने सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जैसे भक्त पुत्रों को जन्म दिया। आज तक जिनके पुत्रों का नाम अमर है, और उसके बाद कितनी माताएं हुई, कितनी बालकों को जन्म दिया, लेकिन कहाँ पैदा हो गए कहाँ मर गए उनका अता पता भी नहीं है। ऐसे जो भक्त पुत्र हुए, भक्त रत्न हुए, जिनका आज तक नाम अमर है, जिनका नाम लेने से जीव के अंदर पवित्रता आ जाती है। हमारा जीवन इतना आदर्श युक्त होना चाहिए कि हमारा कोई नाम भी ले ले तो पवित्र हो जाए। और यहाँ तो हम लोग इतने नीचता में हम लोग फंस जाते हैं। माता पिता का प्रथम कर्तव्य है बालक को भक्ति की शिक्षा दे, भक्ति के संस्कार दे। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने इस कर्तव्य का पालन करके दिखाया है, 100 के 100 पुत्रों को भक्ति सिखाई है, और वहाँ उन्होंने पहली शिक्षा दी है, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजामिये। पहला श्लोक है ऋषभदेव जी की शिक्षा का, बोले देखो पुत्रो, ये शरीर कुकर शुकर की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला है मनुष्य जीवन। 4 चीजें हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम। आहार हम लोग भी खाते पीते हैं और पशु पक्षी भी खाते पीते हैं। निद्रा हम भी सोते हैं वो भी सोते हैं। भय हमें भी कोई छाती पे अभी पिस्टल रख दे तो डर के मारे पसीने छूट जाएंगे, और पशु को भी डंडा दिखाओ तो वो भी डरता है। और मैथुन मनुष्य भी संतान पैदा करता है, और ये क्रिया पशु पक्षी भी करते हैं। तो जब सब कुछ मनुष्य और पशुओं का समान है तो पशु और मनुष्यों में क्या अंतर रहा? बोले अंतर यह है कि पशुओं को विवेक नहीं है, पर मनुष्यों को भगवान ने इतना विवेक दिया है कि वो भक्ति करके भजन करके अपना आत्म उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण इस जीवन में कर सकता है, पर पशु पक्षी अन्य योनियां ये काम नहीं कर सकती। वो कहाँ से सत्संग करेंगी? उनके अंदर इतना ज्ञान, उनके अंदर इतना विवेक नहीं है कि वो सत्संग के महत्व को समझ सकें, या वो अपने जीवन को, लक्ष्य को समझ सकें। वो तो बस जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं उनको ये भी नहीं पता है। लेकिन हम लोगों को तो भगवत कृपा से ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें इतना विवेक भगवान ने दिया है, और ये शरीर भी, गोसाई जी महाराज ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ना जई परलोक संवारा। ये साधन का धाम है, इसी शरीर से भजन हो सकता है, बाकी पशु बन गए पक्षी बन गए तो भजन की वहाँ कोई संभावना नहीं है। और ये शरीर पाने के बाद भी पशुओं की तरह खा पी के और नष्ट कर दिया तो हम लोगों ने समझ लो अपनी आत्महत्या कर ली, अपने आप को मार डाला, अपने जीवन को नष्ट कर दिया। संसार में एक अभागे लोग होते हैं और एक भाग्यशाली होते हैं। अभागे और भाग्यशाली कौन है? गोसाई जी महाराज ने दोनों को बताया है रामचरितमानस में।